गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन स्टूडेंट। आज मैं आपको मैथ्स का एक लेक्चर पढ़ा दूंगा और टॉपिक आज हम लेके चलेंगे कौन सा, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सब मुझे जान गए होंगे, माय इंट्रोडक्शन, माय सेल्फ आशीष यादव। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हाउ आर यू? ऑल आर फाइन। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हमारा, एक कौन सा न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कौन सा? क्यूब एंड क्यूब रूट्स। आपको सर ने समझाया है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, समझाया? ठीक है, आज हम एक चैप्टर लेके चलते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स। सिंपली आज हम सिर्फ बात करेंगे क्यूब की और क्यूब रूट्स की, और कुछ बात नहीं करेंगे। ओनली क्या बात करेंगे? क्यूब एंड क्यूब रूट्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूब रूट्स? तो जो डिफरेंस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में आपको बताया गया होगा, वही डिफरेंस क्या है क्यूब एंड क्यूब रूट्स में भी अप्लाई होता है। ठीक है, कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूब, देन क्यूब रूट। ठीक है, तो क्यूब, सपोज मैंने लिखा 2 का क्यूब, दैट मीन्स 2 की पावर 3। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा? 2 × 2 × 3। जितनी टाइम्स पावर है ये नंबर, उतनी टाइम्स ही हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 × 2 × 2 कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 8। ये तो बात हुई पॉजिटिव नंबर की। किसकी? पॉजिटिव नंबर की। अब यदि मैं इसकी जगह नेगेटिव नंबर ले लूँ, क्या ले लूँ? नेगेटिव। और नेगेटिव टर्म को कभी भी ऑड टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा। कैसे आएगा? वॉच इट, -2 -2 -2, माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस, माइनस। कितना आया? -8। कितना आया? -8 आया। सेम चीज़ फ्रैक्शन में अप्लाई होती है। कैसे? 1/3 का क्यूब कहेगा तो 1/3 की पावर 3, दैट मीन्स 1/3 1/3 1/3। तो 1 ऊपर का न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर पे मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। ठीक है, यदि ये दोनों कैंसिल हो रहे हो तो आप उसको पहले कैंसिल कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, तो अब 1 × 1 = 1 1 × 1 = 1 3 × 3 = 9 9 × 3 = 27 9 × 3 = 27। तो ये किस चीज़ पे अप्लाई हुआ? क्यूब पे। किस में? क्यूब में। अब हम आते हैं किस पे? क्यूब रूट पे। किस पे आते हैं अब हम? क्यूब रूट पे। सपोज 8। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्क्वायर रूट पढ़ा था बेटा, उसमें मेथड पढ़े थे खूब सारे, एस्टीमेशन मेथड पढ़ा था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था, लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा था, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड पढ़ा था, खूब सारे मेथड पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो ही मेथड, फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन, सेकेंड वन इज एस्टीमेशन मेथड। ठीक है, तो एस्टीमेशन सिर्फ उसी क्वेश्चन पे यूज़ करें जिसमें राइट डाउन किया हो, अदरवाइज हर क्वेश्चन में किसको यूज़ करेंगे हम? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को। किसको यूज़ करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को। ठीक है, तो छोटा सा एक एग्जांपल मैंने ले लिया किसका? क्यूब रूट का। ठीक है, कैसे अप्लाई करें? तो फर्स्ट हमेशा ये ध्यान रखना, जो भी नंबर लोगे यहाँ पर वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से शुरू करना है। कहाँ से शुरू करना है? प्राइम नंबर से। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2 और नॉट? यस, दिस इज डिविजिबल बाई 2। तो मैं इसको किस से डिवाइड करूँ? 2 से। आ गया लास्ट में 1 और नॉट? यस, तो क्या हो गया? 8 = 2 × 2 × 2। जब आप स्क्वायर रूट कर रहे थे तो आप पेयर कितनी सेम डिजिट्स के बना रहे थे? 2। अब हम क्यूब रूट कर रहे हैं तो
तो पेयर हम कितने डिजिट्स के बनाएंगे? थ्री, क्यूब मीन्स थ्री, तो बन गया पूरा पेयर। तो क्यूब रूट ऑफ एट, यहाँ पर आपने रेडिकल्स बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं? रेडिकल। तो रेडिकल में हम कितना डाल दें? थ्री, इसका मतलब हो गया क्यूब रूट ऑफ किसका? एट का। किसका? क्यूब रूट ऑफ एट। कितना आ गया बेटा हमारे पास? टू। कितना आ गया हमारे पास? क्यूब रूट टू। जितनी सेम डिजिट के हम पेयर बना रहे हैं जो, उन पेयर में से एक एक डिजिट लेते जाओ। ये तो एक ही था तो सिंपली हो गया। अभी मैं इससे एक थोड़ा सा बड़ा लेके करूँगा, ठीक है, फिर हम उसको करके देखेंगे। क्लियर? तो अब हम आते हैं, सपोज मैं एक बड़ा नंबर लेता हूँ, तब मजा आएगा आपको करने में भी बेटा। अभी हम एक बड़ा नंबर लेके चलते हैं। चलो कौन सा नंबर लेते हैं अब हम? कौन सा ले लें, कौन सा ले लें? 216 ले लेते हैं। चलो कौन सा ले लें? 216, ठीक है। तो लास्ट नंबर जो है वो इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर, ठीक है। तो इसके लिए भी वही सेम प्रोसेस है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देखो कितना होता है? टू। तो क्या ये नंबर टू से डिविजिबल है? यस, टू वन जा टू। अब मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक करते हैं बेटा, इस चीज़ को नोटिस करें। कैसे? देखिए मोस्टली मिस्टेक करते हैं इसमें, तो बहुत ध्यान से करना जो भी डिवाइडेशन हम करते हैं। टू वन जा टू हो गया, फिर क्या ड्रैग करेंगे अब हम यहाँ पर? वन। अब जो भी डिजिट ड्रैग कर रहे हो, यदि वो डिजिट से डिविजिबल नहीं हो रही है, उससे स्मॉलेस्ट है, दैट मीन्स डिवाइड ना होने का हम पहले क्या लगाएंगे? जीरो। क्या लगाएंगे? जीरो। मोस्टली स्टूडेंट जीरो नहीं लगाते, सीधा सेकंड डिजिट और लिया है, ये हो गया, जीरो नहीं लगाते, कहीं सीधा लिख देते हैं, सर ये लो डिवाइड हो गया। लेकिन बेटा दिस इज़ रॉन्ग प्रोसेस। तो ड्रैग होगा, जो नंबर इससे डिवाइड नहीं हो रहा, दैट मीन्स उसकी क्या लगेगी यहाँ पर? जीरो लगेगी। क्या लगेगी? जीरो, ठीक है। तो कितना आएगा बेटा हमारे पास? 108। अब 2 से डिवाइड, 25 जा 10, 24 जा 8, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है 27। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि ये नंबर कौन सा आ गया हमारे पास? ऑड नंबर, ठीक है। तो दिस इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट? ये लीजिए, स्मॉलेस्ट लेते जाने, जिससे नहीं हो रहा वो छोड़ दो, उससे नेक्स्ट, जिससे नहीं हो रहा वो छोड़ दो, उससे नेक्स्ट, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे बेटा? 216 इक्वल्स टू 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3। अब मैंने क्या बताया था? सेम डिजिट्स के पेयर। क्या बताया था? सेम डिजिट्स के पेयर। तो सेम डिजिट इज 2, 3 सेम डिजिट के पेयर, ठीक है। तो अब हम क्या लिख देंगे? क्यूब रूट ऑफ 216, एक ये पेयर इसमें से 2, एक ये पेयर इसमें से 3, 2 × 3 = 6। तो क्यूब रूट ऑफ 216 इक्वल्स टू 6। चेक करना है अवर आंसर इज राइट और रॉन्ग, तो वो भी आप बहुत इजीली कर सकते हो। जो आपके पास आंसर आ गया इसका क्यूब करके देख लो। क्यूब करने का मतलब उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लो, नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, नॉट नंबर को मल्टीप्लाइड बाय 3, नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। क्या नंबर आया? 6। इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 6 × 6 = 36, 36 × 6 कितना आ गया वापस? 216। और क्या हम इसी का ही क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? यस। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आया आपके पास, कौन सा? क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो क्यूब, किसी भी नंबर का क्यूब करना है, दैट मीन्स उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स उसके पेयर बनाने हैं 3 सेम डिजिट्स के पेयर। जिसके पेयर नहीं बन रहे हों, ठीक है, कोई डिजिट छूट गई हो, पेयर में नहीं आ रही है और वो रह गई है, दैट मीन्स नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट का मतलब कम्प्लीटली पेयर बनने चाहिए, जिसमें नहीं बन रहे दैट मीन्स दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था ये सेकेंड यूनिट का, ठीक है। थोड़ा सा इसमें आप सेल्फ
करके देखना एक बार इसको थोड़ा सा, एक्सरसाइज 2.1 को, ठीक है। जिसके पास नहीं होगी अभी बुक अवेलेबल, हो सकता है बुक अवेलेबल ना हो तो मैं आपको पिक भी भेजूंगा, एक्सरसाइज की पिक भेजेंगे हम, ठीक है। तो आप इसको करके देखिएगा प्लीज़ एक बार, आपको बहुत मज़ा आएगा करने में। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका होमवर्क इज़ एक्सरसाइज 2.1, उसको करके देखिएगा, चाहे रफ नोटबुक में एक बार करके देखें, लेकिन करके ज़रूर देखें उसको। मैथमेटिक्स जो है वो प्रैक्टिस से आएगा, यदि आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मैथ्स कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। ओके, मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस से आएगा, जितना खुद करके देखेंगे बेटा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज मैंने आपको क्यूब और क्यूब रूट समझाया ओनली, अब इसके बेस यदि आप खुद 5-5 क्वेश्चंस भी एक बार खुद करके देखोगे, ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा, उससे आप बहुत अच्छा करेंगे उससे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आपको होमवर्क में मैं कौन सी एक्सरसाइज दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 2.1 किसके लिए, होमवर्क के लिए, करके देखना, चाहे रफ में ही करके देखना, करके जरूर देखना बेटा। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।